दीपाली चौधरी, दीपाली अमोल चौधरी राहणार सुद्धा आमचे आमचं सगळं जीवन म्हणजे शेतीवरच आहे आणि ती शेती आम्हाला ठेवणार नाही, त्याच्यामुळे आम्ही इथं बसलेलो आहे. त्याच शिवारामध्ये तो आम्हाला महामार्गाला 2,80,00,000 रुपये हा भाव दिलेला आहे आणि आता ते आम्हाला 15,00,000 म्हणताय. मग हा फरक का? आणि हेक्टरी आणि एरिया तोच आहे, असंही नाही की वेगळा आहे. आणि आमचे मुलं अजून छोटे आहे तर आम्ही पुढे काय करावं? आताच आम्ही मोलमजुरी करून मुलांना शिकवतो आहे, पुढे मग आम्ही म्हणजे कोणता मार्ग अवलंबावा की मुलांना भीक मागायला लावायचं का रस्त्यावरती? आणि आम्ही वेळोवेळी त्यांना शासनाला विनंती केली, 2-3 गेलो, त्यांनी पण आमचा म्हणजे त्यांनी विचारच केला नाही की शेतकऱ्यांवर काय बिकते, काय परिणाम होतो याचा त्यांनी कधी विचारच केला नाही. शेवटी आम्हाला मार्गच नव्हता दुसरा, त्यासाठी आम्ही आमरण उपोषणाला बसले. आज 5 दिवस झाले आमच्या सोबत. हां, मुलं बाळ सर्व घरी येतात, छोटे छोटे मुलं वगैरे टाकून आम्ही इथं बसलेले रात्री दिवस. दोस्तों, हम देख रहे हैं कि किसान बंधु जिस पर हमारा मुल्क चलता है, मुल्क की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, ख़ास तौर से महाराष्ट्र में सैकड़ों नहीं हज़ारों किसानों ने ऐसी ही सारी परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या की है. और आज जलगांव भुसावल तीसरा रेलवे मार्ग साठी बहुत सारे किसान बंधु, तकरीबन 58 ऐसे किसान बंधु है जिनकी ज़मीनें इस रास्ते में आ रही है. ये बहुत सारी मांगों को लेकर आज 5 दिन से जलगांव जिला अधिकारी के सामने अपना अमरण उपोषण पर बैठे हैं. आज हमारे साथ में किसान बंधु है, हमारी बहनें हैं. मैं वायरल न्यूज़ लाइव टीम के ज़रिए से ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे इन किसान भाइयों को उनका पूरा पूरा हक मिले और पूरा पूरा ज़्यादा भुसवा पीछे लाइन को रेलवे वाले ने भूसा बंद करने के लिए उन्होंने वो अंतर 24 किलोमीटर का है, उसमें से 20 किलोमीटर अंतर रेलवे लाइन ले रही है और 4 किलोमीटर शेतकरों की ज़मीन भूसा बंद कर दे. उसमें लिए हाईवे ने उनको 2,80,000 एकड़ का भाव दिया और हमको रेलवे वाले को वो 15 लाख रुपये एकड़ दे रहे. इसके वास्ते हमने आज 4-5 हमारा आगे उपोषण का पाँचवा दिन है. इसके वास्ते हमें उपोषण रहता है. हमारी मांगे तब तक पूरी नहीं होगी. हम यहाँ आमरण उपोषण करते रहें करेंगे. ये आपके उपोषण का कितना दिन है? पाँचवा दिन. तो शासन प्रशासन जो है आपको क्या सपोर्ट कर रही है यहाँ पर? प्रशासन हमको सपोर्ट ही नहीं कर रही है. इसके लिए हम उपोषण को बैठे हुए हैं. अच्छा, रेलवे को कोई आपत्ति है आपके इस मांग से? नहीं, रेलवे वाले वो तो बोल रहे हैं हम पैसे देने को तैयार है, लेकिन ये प्रशासन वाले प्रशासन अधिकारी बोल रहे हैं हमको नहीं, वैसे ऑर्डर नहीं, हमारा आवाज निकल गया है आपको वही बोलेगा, पर हमको वो आवाज रद्द होना चाहिए, उसका निवाड़ा होना चाहिए. ऐसे अंदाजन कितने अपने किसान बंधु है जिनकी ज़मीन उसमें जा रही है? 58 बंधु. इसके वास्ते हम तो उपोषण करेंगे नहीं तो हमको हमारे सब कुटुंबों का नुकसान हो रहा है और खेती बाड़ी और ज़मीन के हमारे 2-2 टुकड़े हो रहे हैं और टुकड़े हो रहे हैं तो उसका उधर नहीं हो कैसा होगा. आपका शुभ नाम सर? अमोल पुरुषोत्तम चौधरी. थैंक यू.